भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी करते हुए इंडिया के सामने 289 रनों का लक्ष्य रखा। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद ही निराशाजनक रही और इंडिया टीम के 3 विकेट 4 के स्कोर पर ही गिर गए। उसके बाद रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया की पारी को संभाला। हालांकि धोनी भी 51 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आपको बता दें, टीम इंडिया के हिटमैन कहे जाने वाले रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ दिया और उन्होंने अपने शतक में 4 छक्के भी लगाए। इसके साथ ही टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी क्रीज पर नहीं टिक पाया, लेकिन हिटमैन ने फिर से एक बार शतक जड़ दिया। आपको रोहित शर्मा का ये शतक कैसा लगा, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और आपके अपने चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।